जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान थ्री जो कि 14 जुलाई 2023 ईस्वी को दोपहर 2:35 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान थ्री को सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि इसमें दो लॉन्च पैड हैं, जहां से PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। जी हां, चंद्रयान थ्री को LVM-M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें कुल बजट 615 करोड़ की आई है, जिसका वजन 3900 किलोग्राम है। दोस्तों, इस मिशन के डायरेक्टर एम मोहन कुमार जी हैं। चंद्रयान थ्री का उपनाम बाहुबली या फैटमैन दिया गया है। इसको लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत इस मिशन को करने में कामयाब रहा। चंद्रयान थ्री 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पर पानी, हीलियम और ऑक्सीजन की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस मिशन को पूरा करने में हमारी नारी शक्ति का भी अहम योगदान रहा, जिसमें कुल 54 महिलाएं वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स ने अपना योगदान दिए। दोस्तों, चंद्रयान थ्री को हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची द्वारा डिजाइन किया गया तथा इसकी यान को मेटर्जिकल एंड इंजीनियर्स कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया। जी हां, चंद्रयान थ्री का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव को डार्क साइड ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले कि चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था, जिससे पता चला कि चंद्रमा पर पानी है। साथ में ये भी बताते चले कि चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। पुनः चंद्रयान 3 को भेजा गया, जिसके लैंडर का नाम विक्रम एवं रोवर का नाम प्रज्ञान है। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में ये भी बताते चले कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर है।